तुम्हारा जवाब ये सही बता रही है। M. वाकई M ही लिखा हुआ है। गुड। पेज पे लिखेंगे कुछ चीज जिसे तुम्हें बताना है। ये कौन सा पत्ता है? कंफर्म। और ये फाइनल रिजल्ट 3 स्टार। बनो कलाम दुनिया करेगी सलाम सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूँ रोहित पांडे और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे जो आंखों से नहीं आंखें बंद करके देखती हूँ। जी हाँ, आंखें बंद करके देखती हो। ये हमारे हाथ में एक पट्टी है, एक मोटा सा पट्टी आप देख रहे होंगे। इस पट्टी को मैं शानवी के आंखों पे लगा दूंगा, फिर भी शानवी हर चीज बताएगी जो मैं लिखूंगा, जो मैं दिखाऊंगा, ये कलर हो, वर्ड हो या कुछ भी हो। शानवी, आप कौन से क्लास में है? क्लास थ्री में। कौन से स्कूल से? लॉयटो कॉन्वेंट रांची। वैसे आपका हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज़ मुझे ड्राइंग बनाना, मेकअप करना, कुकिंग भी मुझे आती है, वो मैं बना सकती हूँ। तो यही मेरी हॉबीज़ है। और आज मैं मिड पेंट करने वाली हूँ। ये जितने भी सामान है वो मैं आपको बता दूँगी। जैसे अंकल मेरे से पूछे ये वाला कलर कौन सा है, तो मैं बता दूँगी ये कौन सा कलर है। तो अब स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये अपने आंखों पर डाल लीजिए। जी हाँ, आप देख सकते हैं इन्होंने अपने आंखों पर पट्टी डाल रखी है। कुछ भी नहीं दिख रहा है इन्हें, एक मोटा सा पट्टी इनके आंखों पर है। अब हमारे पास हैं कुछ ताश के पत्ते, बहुत सारे ताश के पत्ते हैं। मैं इनमें से कोई भी पत्ता, जिसे मैं भी नहीं देखूंगा और शानवी तो देख भी नहीं रही है, मैं इसमें से एक पत्ता मैं शानवी को दूंगा और शानवी बताएगी कि वो पत्ता कौन सा है। एट। आर यू श्योर? हाँ। पक्का? दिखा दिया जाए? और आप देख सकते हैं शानवी के द्वारा दिया गया जवाब 8, पत्ता 8, और वाकई ये पत्ता 8 ही है। गुड शानवी, बहुत सही। अब हम लोग दूसरे तरीके से खेलेंगे। कितने उंगली हैं? 1 1। श्योर? हाँ। बहुत मेहनत के बाद आपने बहुत सही जवाब दिया। आपके सामने एक उंगली ही थी। ठीक है, अब हम लोग कलर से खेलेंगे। ठीक है, अब बता पाओगे कि मैं आपके सामने कौन सा कलर रखूंगा? बिल्कुल। चलिए, हमारे पास बहुत सारे कलर हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, लाल, पीले, हरे, ब्लू, काले, हर तरीके के कलर हैं। इसमें से मैं एक कलर उठाता हूँ, एक कलर। ठीक है, अब देखते हैं शानवी इसका जवाब सही दे पाती है या नहीं। ये मुझे लगा ये स्केच पेन है और इसका कलर, इसका कलर है रेड और व्हाइट। रेड एंड व्हाइट। व्हाइट, आप देख रहे हैं कौन सा कलर है। जी बिल्कुल, रेड एंड व्हाइट, रेड कलर एंड व्हाइट इसके ढक्कन है। शानवी, आपने बहुत सही जवाब दिया। ठीक है शानवी, अब आपके साथ अगला गेम खेलेंगे। हम एक
पेज पर कुछ लिखेंगे, ठीक है, और आप बताइएगा कि वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वो एक लेटर होगा और ये लेटर है चलिए आप भी काफी हैरान होंगे कि आखिर ये कैसे बता दे रही है। हर बार सही जवाब आंखें बंद करके। अब आपके सामने हम कुछ चीजें रखेंगे, आप बता सकते हो वो चीज कौन सा है, आप बता देंगे? बिल्कुल, चलिए। ये आपके सामने क्या रखा हुआ है? मुझे टच करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, आप टच नहीं कर सकते हैं। और कुछ? पेंसिल डन या और कुछ? पेंसिल दो कलर्स है, पेंसिल के दो कलर है। भाई हमें तो ये बताना मुश्किल हो जाता है आंखें बंद करके कि हमारे सामने कौन सा आदमी खड़ा है या क्या रखा हुआ है। और ये इस बच्ची की हुनर की मैं तारीफ करता हूँ कि पेंसिल के साथ साथ इस पेंसिल के दो कलर को भी बता देती हैं कि इस पेंसिल में दो कलर हैं। अच्छा, आपके सामने और भी कुछ चीजें हम रखते हैं, जैसे हमारे पास है, बताइएगा नहीं क्या है? शानवी बताएगी कि वास्तव में ये है क्या, हमारे हाथों में क्या है? काला कलर का शार्पनर। पक्का? हाँ। लॉक कर दें? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, गलत नहीं ना है? कॉन्फिडेंस। चलिए बढ़िया है, बहुत अच्छा अच्छा जवाब, बहुत सारी चीजें आपने बताया। और भी ऐसी चीज आप क्या क्या बता सकते हैं? इतना तो मतलब मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं, ये मेरी सिस्टर, तो मैं उसके साथ वीडियो बनाती हूँ। और ये मतलब ये भी बहुत कॉन्फिडेंस है इसको, मतलब ये भी बहुत अच्छे से यूट्यूब वीडियो बना लेती है। और हम लोग के चैनल का नाम है द टू सिस्टर्स। उसमें हम लोग प्रैंक वाला वीडियो बनाने वाले हैं और हम लोग मेकअप का वीडियोस बनाए हैं। और मेकअप आप एक दूसरे के करते हैं? हाँ। ओ, तो आपने कभी जोकर वोकर बना दिया क्या? हाँ तो बनाए थे एक दूसरे का। कब, क्या बना दिए थे? पूरा जोकर। उसके बाद बाजार में घुमाए नहीं? नहीं, तब हम लोग लॉकडाउन में ही ये वीडियो शूट करे थे, जब लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन नहीं होता तो बाहर बाजार घुमा देते ना। अब बदले में क्या मिला? लाइक्स एकदम नहीं मिले, बस 35 लाइक्स मिले, मतलब सब्सक्राइब्स मिले। इस बच्ची के हुनर की तारीफ सोशल मीडिया पर होनी चाहिए। ये बच्ची कह रही है कि मैं यूट्यूबर हूँ और इन सब चीज़ों के बारे में साथ साथ प्रैंक वगैरह में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन लोग इसे लाइक नहीं करते हैं। मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि इसके यूट्यूब चैनल टू सिस्टर्स को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ साथ हमारे चैनल्स को भी लाइक सब्सक्राइब करें। लोग आँख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, हाथों से टच करते हैं, यानी कि लोगों के पास 5 सेंसेस एक्टिव होते हैं। लेकिन ये शानवी से, जैसा आपने देखा कि 6 सेंस एक्टिव हैं, मैं शानवी से सवाल करता हूँ, शानवी आप कैसे कर लेते हैं? मुझे मतलब मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी तो मुझे अपने आप ही आ गया।
प्रैक्टिस कहाँ से करते थे? एक मेरी मिड ब्रेन क्लास है, वो मेन रोड में, तो वो मतलब वही से मैं सीखी हूँ वो सब, जितना भी ये अभी मैं आप लोग के सामने करी। और मेरे भैया दीदी भी जाते थे मिड ग्रेन क्लास। इस क्लासेस में क्या होते हैं, किस किस तरह के एक्सरसाइज वगैरह कुछ है? डांसिंग और हैंड एक्सरसाइज, और हम लोग को एक ट्यून सुनाते हैं और उसी ट्यून में हम लोग को सोना पड़ता है, उससे हम लोग का ब्रेन और एक्टिव होता है। अच्छा, आप कितने दिन तक क्लास की? मेरे को एक दो सिक्स वीक्स मैंने क्लास करा है। अच्छा, क्या लगता है आपने सिक्स वीक्स में सीख लिया कि और सीखते आप वहाँ पर? नहीं, मैं मतलब सिक्स वीक्स में सीख ली थी, फिर मैं घर आके भी वो बहुत प्रैक्टिस करी थी। मतलब वहाँ सीखने के बाद आपने बहुत मेहनत की, तब जा करके आप ये सारी चीज़ें आज बता पाते हो। क्या कितने उम्र तक लोग सीख सकते हैं वहाँ पर? वहाँ पे 12 से 14 तक। मतलब 14 साल तक के लोग वहाँ पर जा कर के सीख सकते हैं। क्या कुछ पेड है या अनपेड है? मतलब पेड है। पेड है, कहाँ पर वो बताया आपने? मेन रोड में। मेन रोड में, अच्छा। तो अब क्या आपको लगता है कि आप वो मेन रोड में था, वो बंद हो गया, वो उसके बाद लालपुर में चले गया। अच्छा, आपने ये सीखा तो आप क्या अब और भी लोगों को सिखाएंगे? हाँ, मैं सिखा तो दूंगी, पर उन लोगों को भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, फिर मैं कहाँ सिखाऊंगी उन लोगों को। अभी तो आप छोटे हैं, बच्चे हैं, तो आप किस माध्यम से सिखाना चाहेंगे, यूट्यूब चैनल या फिर ऑनलाइन? यूट्यूब में एक्चुअली मैं न्यूज़ में भी आ गई हूँ, तो न्यूज़ में भी सीख सकते हैं बच्चे लोग, अगर वो लोग हम लोग आप लोग का न्यूज़ चैनल देखेंगे तो। जी बिल्कुल, आप चाहे तो इस बच्चे के एक्सरसाइज को हम आप तक पहुंचाएंगे और आप भी ये जानेंगे, जान सकते हैं कि आखिर कैसे यह सिक्स सेंस एक्टिव किया जाता है। इस तरह के काफ़ी सेगमेंट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।